हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की जो कि एफडी स्कीम 2024 में नई लागू हुई, उसके नए नए नियम क्या लागू हुए उस बारे में अपन यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख तक अगर अमाउंट को यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट के तौर पे जमा करते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, तो अपन आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूँ कि पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है, इसको एफडी कहते हैं, नहीं तो फिर फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ पर कहा जाता है। इसके लिए आपको मैं आपको बता दूँ कि पोस्ट ऑफिस की ये एक पॉपुलर स्कीम है, इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक की पॉपुलर स्कीम के साथ आप यहां पे पैसे जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पे मिनिमम 1000 रुपये से एफडी कर सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे उतना यहां पे एफडी यानी कि निवेश कर सकते हैं। डिपॉजिट में कमाए हुए पैसे को निश्चित समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करना होता है, जिसमें आप मेचोरिटी टाइम यानी कि पूरे टाइम तक आपको यहाँ पर पैसे को यानी कि 5 साल तक का मिनिमम रहता है। आप 5 साल तक अगर पूरा पैसा यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रखते हैं तो आपको स्कीम के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आप पैसे को जमा करके आपको जैसे कि मेचोरिटी टाइम पूरा होता है तो उसके लिए आपको ब्याज सहित पैसे पूरा यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसमें आपको पहले आपको पोस्ट ऑफिस में स्कीम की कुछ महत्वपूर्ण बातें यानी कि उसकी महत्वपूर्ण स्कीम होती है उस बारे में आपको अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही आपको यहाँ पे निवेश करना होता है। अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं एफडी स्कीम यानी कि खाता कैसे खुलाए, पोस्ट ऑफिस के अंदर कैसे खाता खोले यानी कि एफडी अकाउंट कैसे ओपन करें, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है यानी किस टाइप से अपन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको यहाँ पे आप भारतीय नागरिक जो कि आप पूर्ण रूप से भारत के मूल निवासी होने चाहिए और इसमें कोई भी गरीब या फिर अमीर कोई भी यानी गांव शहर में कहीं से भी और कोई भी अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और अपने कमाए हुए पैसे को यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर सकता है। अगर कोई 10 साल का बच्चा भी, सीनियर सिटीजन, सामान्य नागरिक अथवा कोई विकृत यानी कि विकलांग व्यक्ति एफडी स्कीम के अकाउंट को ओपन यहाँ पे कर सकता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे एक अकाउंट ओपन करना होगा। उसके लिए आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है तो आपको मैं बता दूँ कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट है यानी कि मोबाइल नंबर वगैरह है तो आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन करके उसमें जो अमाउंट आप रखेंगे उसको अपन फिक्स डिपॉजिट के अंदर बदल सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख तक की फिक्स अमाउंट पर डिपॉजिट पर आपको कितना पैसा यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 7.5% ब्याज दर के हिसाब से 5 साल का आपको 44,995 रुपये और मेचोरिटी अमाउंट यानी कि 1,44,995 रुपये टोटल मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख यानी कि इसमें से यानी कि आप महीने का, मैं आपको अलग अलग स्टेप में बता रहा हूँ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख तक में अगर आप इसमें बैंक में यानी कि डिपॉजिट के लिए पोस्ट ऑफिस में आप यहाँ पे 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 90,000 के आसपास मेचोरिटी अमाउंट के साथ में आपको पैसा पूरा आपको रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे 3 लाख रुपए डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए आपको 3 लाख रुपये यानी कि मेचोरिटी टाइम पूरा 5 साल होता है। अगर 3 लाख रुपये 5 साल तक फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए आपको ब्याज दर यानी कि ब्याज की कमाई आपको टोटल 1,34,984 रुपये यानी कि मेचोरिटी अमाउंट के साथ यानी कि आपको टोटल 4,34,984 रुपये के साथ में आपको यहाँ पे पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा यानी कि रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 लाख रुपये यानी कि डिपॉजिट करते हैं यानी कि 4 लाख के ऊपर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है तो वो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर 4 लाख रुपये की एफडी कराते हैं तो आपको 1,79,979 यानी कि इतना आपको ब्याज मिलेगा और मेच्योरिटी टाइम पीरियड यानी कि आप पूरा अगर 5 साल तक रखते हैं तो आपको यहाँ पे 5,79,000 के आसपास टोटल आपको अमाउंट यहाँ पे 5 साल के बाद मेच्योरिटी टाइम के बाद आपको टोटल यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट यहाँ पे अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए आपको कितना यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप 5 लाख रुपये टोटल डिपॉजिट यानी कर दें तो आपको यहाँ पे 224,974 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा। उसके बाद में मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद आपको टोटल अमाउंट 7,24,974 रुपये यहाँ पे टोटल मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।